वेलकम टू अनप्लग्ड एग्जाम। आज की क्यूज में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको डेली जीके एंड करंट अफेयर्स क्यूज का वीडियो रोज रात के 9 बजे मिल जाएगा। और इस क्यूज में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन का टाइम होगा 5 सेकेंड। इस क्यूज का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे FB पेज डेली एंड GK करंट अफेयर्स को भी लाइक कर लें। चलिए आज की क्विज स्टार्ट करते हैं। आज की क्विज का पहला क्वेश्चन है, कौन सी क्रिकेटर महिला और पुरुष दोनों वर्गों में 100 T20 खेलने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज बनी है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में बिजली की समस्या से निपटने हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है जिसका नाम है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। ये नाम है तेजस। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की मंजूरी दी है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना में इसराइल की स्पाइक मिसाइल शामिल की गई है, इस मिसाइल की वार करने की क्षमता कितनी है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए 4 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और मंगोलिया के बीच 14 दिन का संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास नोमेडिक एलिफेंट का 14वां संस्करण किस राज्य के बागलोह में आयोजित किया जा रहा है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुष 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा के लिए क्वालिफाई कर लिया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए अविनाश सावले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से कितने विकेट पूरे करने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज बन गए हैं। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए 200 विकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में खुदाई के दौरान पुरातत्व विभाग को 2600 वर्ष पुरानी ईंटों की 4 दीवार मिली हैं। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह स्थित है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी कच्छ की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल मरुमध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी बेरिंग जल मरुमध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित जब कोई धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है
तो इस राज्यसभा द्वारा कितने दिनों में लोकसभा को वापस भेज देना होता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, 14 दिन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील गाय निम्नलिखित कुल में आती है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, हिरण कुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, प्रखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए पौधों और उनके खाद भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। जल्दी से आंसर कीजिए। टाइम अप। इसका आंसर है सी, आलू का खाने वाला भाग कंद होता है ना कि मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, जलवाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, स्ट्रोम्बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, जर्मनी में है। ये थी आज की क्विज। आपके इस क्विज में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्विज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।